अमृतसर में आज अंबेडकर सुरक्षा ब्रिगेड संगठन द्वारा एडवोकेट शशांक जसवाल को उनके द्वारा समाज में किए जा रहे सराहनीय कार्य, विशेषकर छात्रों को शिक्षा प्रति प्रेरित किए जाने पर उन्हें बाबा साहिब अंबेडकर जी की तस्वीर भेंटकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संगठन के प्रधान संजय खोसला ने जहां एडवोकेट शशांक जसवाल पर विश्वास जताया कि यह आगामी जीवन में और अधिक छात्रों को शिक्षा प्रति जागरूकता करते रहें, वहीं एडवोकेट शशांक जसवाल ने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। शिक्षित व्यक्ति ही समाज को शिक्षित कर सकता है और शिक्षा प्राप्त कर पूरे समाज को रोशन कर सकता है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि नशों से दूर रहकर सेहत की तरफ ध्यान दें और बुराई से दूर रहें। आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए अमृतसर से गुरमीत सिंह बाजवा की रिपोर्ट। मेरा नाम संजय खोसला जी और अम्बेडकर दलित सुरक्षा ब्रिगेड वालों अज असी जिला कचहरी के विच श्री सुशांत जसवाल जी नू जिहड़े कि एडवोकेट ने जिला कचहरी के विच इन्हां दी अच्छियां सेवावां नू देखदे हुए अज इन्हां नू सम्मानित करन आए आपां अपने संगठन वालों सुरक्षा ब्रिगेड वालों और खास करके सुशांत जसवाल जी जिहड़े कि अनुसूचित जातियां जनजातियां दलित समाज के बच्चे उन्होंने प्रेरणा देंदे ने और सानू जो पता लगा कि सुशांत जसवाल जी एक समाज के बच्चों बड़ा अच्छा मतलब के गाइडलाइन दे रहे ने और गांव भी देंदे रहेंगे असी इन्हों इस संबंध में सम्मानित करना ही सुरक्षा ब्रिगेड वालों। मेरा नाम शशांक जसवाल है। मैं यही कहूँगा कि इन्होंने बहुत वधिया उपराला किया। चलो मैं अगे भी हमेशा बच्चों की एजुकेशन वास्ते हमेशा लैक्चर डिलीवर किए हैं कि राइट टू एजुकेशन जो सानू मिले है वा तो राइट टू एजुकेशन का वधिया यूज़ होना चाहिए है। जरूरी नहीं है कि कल्ली दलित ही जिन्हें भी जनरल या जिन्हें भी इत्थे बच्चे हैगे है जिहड़ी मर्जी जाति ने बिलोंग करते हैं है। उन्होंने सारयां नू राइट टू एजुकेशन हैगा आ, उन्होंने फ्री स्टडी प्रोवाइड की जाए। जे उन्होंने जिहड़े जिहड़े अहुदियां दे उत्ते पहुँचे हुए ने यानी कि दसवीं दे हैगे आ चाहे बारहवीं दे गए तो उन्होंने सही गाइडलाइन जे नहीं मिलेगी तो उन्होंने किस तरह वो अगे अपने फ्यूचर में फ्लरिश कर पाएंगे। तो आई हैव ऑलवेज थॉट कि इन्हों बच्चों अगे गाइड करना चाहिए है।